टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। दिल्ली में शराब की दुकानों पर मिलने वाली भारी भरकम छूट खत्म करने का फैसला किया गया है। दिल्ली सरकार के अबकारी विभाग ने इस मामले में आदेश जारी किया है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में शराब की दुकानों पर शराब कीमतों में छूट दी जा रही थी। दिल्ली सरकार की नई अबकारी नीति में रिटेल में शराब बेचने वाली कंपनियों को यह अधिकार दिया गया था कि वह अपनी मर्जी से MRP से कम पर शराब बेच सकती है। छूट के तहत ग्राहकों को कई तरह के ऑफर भी पेश किए गए थे, जैसे एक पेटी खरीदने पर दूसरी पेटी फ्री, एक बोतल खरीदने पर दूसरी फ्री जैसी आदि। लेकिन अब सभी तरह की छूट बंद हो जाने से दिल्ली में किसी भी शराब दुकान पर MRP से सस्ती शराब नहीं बेची जा सकेगी, ना ही शराब की सेल बढ़ाने के लिए किसी तरह का प्रमोशन किया जा सकेगा। दिल्ली में पिछले 20 दिनों में शराब की कीमतों में छूट दी जा रही है। शराब पर 30-35% तक की छूट दी जा चुकी है। दिल्ली के अबकारी विभाग के कमिश्नर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से शराब की दुकानों पर डिस्काउंट की वजह से भारी भीड़ उमड़ रही थी। इसके कारण इलाके में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो रही थी। इसके अलावा अभी कोरोना भी नहीं गया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक्साइज विभाग ने शराब खरीदने पर MRP जो दी जाने वाली छूट थी उसे खत्म कर दिया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्साइज विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।